हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो टूडे वी विल स्टडी अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशियंसी सो बिफोर दैट इफ यू वॉन्ट टू टेक पर्सनल क्लासेज फ्रॉम मी और एनी नोट्स रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट और टॉपिक सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द मेल दैट इज फिजियोथेरेपी क्लासेज जीरो नाइन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम नाउ मूविंग टूवर्ड्स आर टॉपिक सो वॉट इज इन्सफिशियंसी तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव इनसफिशियंसी के बारे में ठीक है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए वॉट इज इन सफिशेंसी है ना तो इट इज़ द इनबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू परफॉर्म अप टू इट्स नॉर्मल फंक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉटल है ठीक है उस बॉटल की कैपेसिटी है कि वो एक लीटर पानी होल्ड करके रख सकती है ठीक है बट अब उस बॉटल में आपने एक होल कर दिया ठीक है होल कर दिया तो होल करने की वजह से जो बॉटल की सफ़िशिएंसी थी कि वो एक लीटर पानी होल्ड करेगी अब वो नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ अ होल इन दैट तो सेम हमारी बॉडी में भी अगर मान लो मैं सौ किलोमीटर तक भाग सकती हूं फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल केस है अगर मैं सौ किलोमीटर तक भाग सकती हूँ बट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न एक्स वाई जेड रीज़न मैं सिर्फ पचास किलोमीटर भाग रही हूँ तो डैट मीन्स आई एम इन्सफिशियंट नाउ क्योंकि पहले तो मैं सौ किलोमीटर भाग रही थी अब मेरे पैर में लग गई मुझे बुखार हो गया बिकॉज ऑफ़ एनी रीज़न मैं उतना नहीं कर पा रही तो डैट मीन्स आई एम नॉट सफिशियंट कि मैं उतना कर सकूँ ठीक है सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इन्सफिशियंसी नॉट बिफोर स्टडिंग एक्टिव एंड पैसिव इन सफिशेंसी हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में तीन तरीके की मसल्स होती हैं एक होती है वन जॉइंट, एक होती है टू जॉइंट और एक होती है मल्टी जॉइंट मसल ठीक है तो वन जॉइंट मसल क्या होती है बच्चों वो मसल होती है जो कि अपनी एंटायर लेंथ में सिर्फ एक ही ज्वाइंट को क्रॉस करती है यानी कि ओरिजन इंसर्शन और बीच में सिर्फ एक ही ज्वाइंट होगा उसके ठीक है सो दिस इज नोन एज वन जॉइंट मसल फॉर एग्जाम्पल वेस्टस मिडियालिस, वेस्टस इंटरमीडियस वेस्टस लेट्रलिस ये कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं फीमर पे से और इंसर्ट करती हैं टिबिया पे तो ये सिर्फ नी जॉइंट के ऊपर से ही क्रॉस हो रही हैं ये किसी और जॉइंट पे तो नहीं जा रही हैं तो दीज आर वन जॉइंट मसल्स अब आते हैं टू जॉइंट मसल तो नाम ही बता रहा है वो मसल जो दो जॉइंट्स को क्रॉस करती हो उसे हम दो टू जॉइंट मसल कहते हैं एग्जाम्पल गेस्ट्रोनिमियस यानी कि वो नी पे भी जाता है और वो एंकल को भी क्रॉस करता है ये मसल तो यानी कि ये इन्फ्लुएंस करेगी दोनों जॉइंट्स को क्योंकि अब ये दोनों के ऊपर क्रॉस हो रही है वेर एज जो वन जॉइंट मसल थी अगर वो सिर्फ एक ही जॉइंट के ऊपर से क्रॉस हो रही है तो सिर्फ वो सिर्फ उसी जॉइंट को यू नो इफेक्ट करेगी वो दूसरे जॉइंट को इफेक्ट नहीं करेगी जल्दी से ठीक है मल्टी जॉइंट मसल यानी कि वो मसल जो दो से ज्यादा ज्वाइंट्स के ऊपर स्पैन करती हो ठीक है एग्जाम्पल क्या है इसका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल ये हमारे हाथ में होती है इसका इंसर्शन कहाँ होता है डी के ऊपर ठीक है यू कैन सी द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल तो ये रिस्ट पे से भी जा रही है मेटाकार्पल्स के ऊपर से भी जा रही है पीआईपी के ऊपर से भी जा रही है एमसीपी के ऊपर से भी जा रही है एंड में डीआईपी के ऊपर इंसर्ट हो रही है तो डैट मीन्स इट इज अ मल्टी जॉइंट मसल अब देखो बच्चों अब आप एक चीज़ करके देखो कि आप अपनी रिस्ट को फ्लैक्स करो ठीक है और आप अपनी फिंगर्स को भी फ्लैक्स करो ठीक है पहली चीज़ आपने ये करी अब दूसरा क्या करो रिस्ट को एक्सटेंड करो ठीक है और फिंगर्स को फ्लैक्स करो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आपने पहले वाला स्टेप किया यानी कि रिस्ट भी फ्लैक्स किया और फिंगर्स भी फ्लैक्स करी तो आपको एक टेंशन सी महसूस हो रही थी ठीक है और आपको करने में थोड़ी डिफिकल्टी भी थी बट अगर आप रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जाते हो और फिंग फिंगर्स को फ्लेक्स करते हो तो वो बहुत आसानी से हो जाती है मतलब आप रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फिंगर्स ना फ्लेक्शन में आ ही जाएंगी ठीक है सो दिस इज़ द नॉर्मल फिनोमिना ठीक है एक्टिव इनसेफ़िशेंसी क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो रिस्ट है रिस्ट के जो मेरे फ्लेक्सर्स हैं दीज आर द प्राइम मूवर्स एगेनिस्ट ग्रुप है क्योंकि ये फ्लेक्शन करवाएगा रिस्ट के ऊपर ठीक है और फिंगर फ्लेक्सर्स के फिंगर फ्लेक्सर्स भी ठीक है वो फिंगर्स के ऊपर फ्लेक्शन करवाएंगे सो दीज बोथ आर द प्राइम मूवर्स फॉर रिस्ट एंड फिंगर फ्लैक्शंस रिस्पेक्टिवली ठीक है तो अगर मैं इन दोनों को साथ में कॉन्ट्रैक्ट करूँगी एक ही जॉइंट दोनों जॉइंट्स पे जहाँ से ये पास हो रही हैं तो द मसल विल गो इन टू एक्टिव इन सफिशेंसी यानी कि आपने एक आदमी से जहाँ जहाँ वो काम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल एक फॉर uh, एग्ज़ाम्पल अगर हम एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि एक बच्चा है वो पढ़ाई में भी अच्छा है वो खेल में भी अच्छा है वो ड्रॉइंग भी अच्छी करता है वो कुकिंग भी अच्छी करता है ठीक है वो सारे काम अच्छे करता है आपने ठीक है हर चीज़ में टॉपर है वो ठीक है बट अगर मैं उसे बोलूं कि भाई तू कुकिंग भी कर तू पढ़ाई भी कर तू पेंटिंग भी कर और तू रनिंग भी कर और ये सारे काम एक साथ कर तो क्या हो जाएगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा ठीक है उसको टेंशन डेवलप हो जाएगी कि मैं इतने सारे काम एक साथ कैसे करूँगा पर अगर उसे आप बोलो कि तू इससे इस टाइम इस कुकिंग करेगा इतने से इतने बजे पढ़ाई करेगा और इतने से इतने बजे तू एक्स्ट्रा काम करेगा तो वो खुशी खुशी अपने सारे काम कर लेगा विदाउट एनी टेंशन ठीक है तो यही सेम मेरी मसल के साथ होता है जैसे दो जॉइंट मसल है अब वो दो जॉइंट या मल्टी जॉइंट मसल ये क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स के ऊपर क्रॉस करते हैं ठीक है थीके? अगर मैं सिर्फ इसको एक जॉइंट के ऊपर काम करने को बोलूंगी ना तो ये अच्छे से काम करेगा बट वहीं अगर मैंने ये जितने जॉइंट्स के ऊपर से क्रॉस करती है मसल सारे जॉइंट्स पर इसकी मूवमेंट करा दी ना जो वो कर कर सकती है तो वो चली जाएगी एक्टिव एंड वो अपना दम तोड़ देती है जैसे वो बच्चा दम तोड़ देगा ना कि मैं सारे काम एक साथ नहीं कर सकता सेम यही यहाँ पे मसल के साथ हो जाएगा सो दिस इज नोन एज एक्टिव एंड ये किस में होता है हमेशा एगेनेस्ट मसल ग्रुप में ठीक है बच्चों ये याद रखना फॉर एग्जाम्पल ये वही फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का मसल है कि आप रिस्ट के साथ फिंगर्स का भी फ्लेक्शन करोगे तो यू विल प्रोड्यूस सम ठीक है बहुत कम टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी मसल्स के अंदर ठीक है मतलब आपके लिए वो कम होगी बट मसल के लिए बहुत ज्यादा है वो टेंशन ठीक है सो द मसल विल गो इन टू एक्टिव टेम हेयर यू कैन सी ठीक है पैसिव इनसफिशिएंसी क्या होती है बच्चों जब मैं अपनी फिंगर्स को और रिस्ट को फ्लेक्स कर रही हूं एक साथ तो जो इसका अपोजिट मसल ग्रुप है यानी कि जो एंटागनिस्ट है यानी कि रिस्ट और फिंगर्स के जो एक्सटेंसर्स हैं दे विल गोइंग टू पैसिव इन क्यों क्योंकि उनको भी तो अब दोनों जॉइंट्स के ऊपर खींचना पड़ रहा है ना अगर मेरे फिंगर्स फ्लेक्सर्स रिस्ट और फिंगर दोनों पे खिंच रहे हैं ठीक है दोनों पे वो मूवमेंट कर रहे हैं तो जो उसका अपोजिट मसल ग्रुप है वो दोनों पे लेंदन भी तो हो रहा होगा ना एक साथ ही है ना तो इट मीन्स कि जो अपोजिट मसल ग्रुप है उसमें भी कुछ इनसफिशिएंसी आती है विच इज़ नोन एज पैसिव इनसफिशिएंसी तो ये बात याद रखना बच्चों हमेशा जो एक्टिव इनसफिशिएंसी है वो हमेशा एग्निस्ट मसल ग्रुप में होती है और जो पैसिव इनसफिशिएंसी है वो हमेशा एंटागनिस्ट यानी कि अपोजिट मसल ग्रुप में देखने को मिलेगी दिस इज़ अ थम रूल ऐसा ही होगा हमेशा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता यहाँ पर उन्होंने वही सेम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का आपको एग्जाम्पल दिया है रिस्ट के जो मैंने अभी आपको समझाया है हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो तो याद रखो एगोनिस्ट मसल जाएगा एक्टिव इन्सफिशेंसी में एंटागनिस्ट जाएगा पैसिव इनसफिशिएंसी में अब अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो यू विल आंसर योर कि जब रेक्टस फेमोरिस है ये सारी जो मसल्स लिखी हुई हैं सारी टू जॉइंट मसल्स हैं ठीक है अब आप बताओ कि ये मसल्स कब एक्टिव इन में जाएंगी और कब पैसिव इन सफिशियंसी में जाएंगी अगर आपको इसमें डाउट आता है आपको आंसर नहीं मिल रहा है इनका तो यू कैन कमेंट डाउन आई विल आंसर दैट बट पहले चीज़ को समझो अपना दिमाग लगाओ अच्छे से ठीक है ट्राई करके देखो खुद के ऊपर पैरों की मूवमेंट करो इस पर्टिकुलर मसल की मूवमेंट करो ठीक है फिर समझो नहीं होगा तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैंने इन चारों के आंसर्स आपको बता दूंगी अच्छे से इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन कमेंट मी डाउन थैंक यू